गोबिंद साहब ने आख्या ऐसा साच शिंगार कर पुत्री पाए खुदाए तू ते मेरिया धीया वर्गी है धीए जिन्ना शिंगार तू अपने शरीर का किया जे इन्ना शिंगार अपने मन का कर लेंगे तो तेन खुदा मिल पैना सी मन का शिंगार होना सी चंगे गुणा न इबादत नाल बंदगी ते रब की भगती नाल पर जिन्ना शिंगार शरीर का किया जे इन्ना मन का शिंगार होंदा तो तेन खुदा मिल पैंदा इसे करके ऐसा साच शिंगार कर पुत्री पाए खुदाए गुरु हरगोबिंद साहब की दस्तार पिछे किरदार छुपया होया जहांगीर की पग पिछे किरदार नहीं इसे करके आखिया पग तेरी की जहांगीर की सतगुरां ने जिथे मीरी ते पीरी दिया दो किरपाना पैंदी सत संगत उत्थे 1509 ईस्वी सन दे विच श्री अकाल तख्त साहब की सिरजना की गुरु हरगोबिंद साहब ने यह श्री अकाल तख्त साहब बनाया बाबा बुढ़ा जी ने ते भाई गुरदास जी ने सात संगत जी जिहड़ा अकाल तख्त साहब बनया पहली गल यह भाड़े ते नहीं बनया किराए ते नहीं बनया ना यह मजदूरां ने बनाया ना यह दिहाड़ीदारा ने बनाया तुहानूं पता होगा जदों असी इतिहास पढ़ते हाँ जिथे ये वचन आखे ने किसी राज ने हाथ लगायो बुढ़ा आओ गुरदास बनायो श्री अकाल तख्त साहब एक ते बाबा बुढ़ा जी ने ते दूजा भाई गुरदास जी ने किसी राज ने हाथ लगायो राज कहिंदे ने राज मिस्त्री दिहाड़ीदार उन्होंने नहीं बनाया और बुढ़ा और गुरदास बनायो ये भावना वाले दोवें सिखां ने बनाया सात संगत जी उस तों बाद जदों अबदाली ने बरूद दे कुप्पे पा के श्री दरबार साहब अकाल तख्त साहब की बिल्डिंग नूं अड़ाउण दा यतन कीता उदों सिख सरदारां ने आख्या कि इह सिखां दी इमानदारी दी कमाई दे नाल बनेगा ते साडे मिसलां दे सरदारां ने मता कीता ते चादर विछा दित्ती पहले दिन लखां दी गिणती दे विच रुपया सिख संगतां किरती सिखां ने ढेरी ला लिता सुर सिंह पिंड दा रहण वाला सी भाई देस राज इह हिंदू सी हिंदू परिवार विचों सी इहनूं जिम्मेवारी दित्ती ते मिसलां दे सरदारां ने आखिया साडी मोहर लै लै अपने कोल रख दरबार साहिब दी सेवा वास्ते तैनूं किसे वी चीज़ दी लोड़ पए ते साडी मोहर वरत लै उस तों बाद जदों इंदिरा गांधी ने अकाल तख्त साहब ढाया एक सरकारी निहंग सी संता सिंह सरकार दे पैसे दे नाल तुहानूं इह पता है भी अकाल तख्त साहब 1984 दे विच बना दिता सी पर तुहाडे वर्गे भावना वाले सिखां ने आख्या इह रूहानियत दा घर है इत्थे साडी आस्था है भावना है सरकार दे बने पैसे दे नाल ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜੁੜੀ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਲਗਾਇਓ ਬੁੱਢਾ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਢਾਡੀਆਂ ਵਾਰ ਗਾਈ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਤਖ਼ਤ ਸਹਾਇਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਾਇਕ ਹੈ ਸ਼ਬ ਵਰਨੀ ਨਹਿ ਜਾਏ ਸ਼ਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਉਪਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਮਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੱਚਾ ਤਖ਼ਤ ਸਹਾਇਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਾਇਕ ਹੈ ਸ਼ਬ ਵਰਨੀ ਨਾ ਜਾਏ ਕਹੋ ਕਿਆ ਗਾਇਕ ਹੈ ਰੱਬ ਸੱਸ ਭਏ ਮਲੀਨ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਰੱਬ ਸੱਸ ਭਏ ਮਲੀਨ ਸੋ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਕੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤਖ਼ਤ ਬਰਾਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਏ ਕੈ ਨੀਰ ਨਤ ਮਲ ਅਬਦੁੱਲ ਜਸ ਕਹਿਓ ਬਣਾਏ ਕੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਤੁਹਾਡੀ ਨਤ ਮਲ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨੇ ਗਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਮਾ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ
सच्चे पातशाह सिख गुरु हरगोबिंद साहब जिथे मीरी पीरी के मालक कहते सन उत्थे सच्चा पातशाह क्या करते सन कहते सन सतगुरु जी दिल्ली के तखत से बहन वाले पातशाह तो झूठे ने पर तुसी साड़ी सच्ची सरकार हो साडे सच्चे पातशाह उहदा कारण सी भाई गुरदास जी जिन्हां ने आदि पीर पहला स्वरूप लिखिया अपने हथीं उहनां ने जदों गुरु हरगोबिंद साहब की सिफत की आख्या दस्तगीर होए पंज पीर हर गुर हरगोबिंद अतोला दीन दुनी दा पातशाह 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 अडोला सतगुरु जी तुसी ते दीन दुनी दे पातशाह हो दिल्ली दे तखत ते बहन वाले पातशाह ते पंजा सालां बाद बदल जांदे ने पर सतगुरु जी तुसी सच्चे पातशाह सदीव काल रहण वाले उहदा कारण सी इतिहास की एक बड़ी प्यारी साखी है जिस वेले सतगुरु जी ग्वालियर के किले के विचों रिहा हो उस वेले बादशाह जहांगीर ते गुरु हरगोबिंद साहब आउंदिया आउंदिया कश्मीर के इलाके दे विच बहुत समा इकट्ठे रहे नाल बादशाह जहांगीर का तंबू होना ते दूजे पासे गुरु हरगोबिंद साहब का तंबू सिख संगतां ने आना बड़ी भावना नाल सात संगत एक सिख गुरु हरगोबिंद साहब नूं मिलिया ते नहीं सी पर भावना यह सी कि सतगुरु जी गरीबी इन्नी है कि मैं तुहाडे तक अपने काम धंदियां चों समा कढ के पहुँच भी नहीं सकता किते आओ ते गरीब नूं दर्शन दिओ सात संगत दर्शन नहीं सन कीते पर शरदा गुरु हरगोबिंद साहब ते सी जदों सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब कश्मीर दे इलाके च विचर रहे सन ते उस वेले बड़ी भावना वाला ये सिख इन्हें आख्या महाराज मेरे कोल होर ते कुछ नहीं इक्को टका मैं अपने इस मैले दे झगे दी जेब च पाया ते मैं होर ते तुहानू कुछ भेटा नहीं कर सकदा पर मेरी इच्छा है कि मैं तुहाडे घोड़ियां दी सेवा करां ते घोड़ियां वास्ते घा खोद के तुहाडे तक लैके जावां सत संगत इस गरीब सिख ने अपने हथीं घोड़ियां वास्ते घा वढ के पंड बन के अपने कुड़ते की जेब विच इक्को टका पा के गुरु हरगोबिंद साहब के दर्शन करने वास्ते तुरिया ते इहनू भुलेखा लग गया सुनिया सी गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह की शानो शौकत बादशाह वर्गी है तखत ते बहिंदे ने चौर झूरदा जदों यह सुनिया ते इह भुलेखे नाल बादशाह जहांगीर दे तंबू च चला गया वेख्या पसीने मुड़के दे मारे मैले कुचैले कपड़े एक सिख ने अपने शरीर ते पहने ने और उन्हें ले जा के अपने घा दी पंड सुट दित्ती जेब विचों कढ के एक टका बादशाह अगे रख के सिख मत्था टेक के कहिंदा एक किरपा करो आत्मा दा सुख बख्श दिओ मेरा लोक परलोक सवार दिओ जदों ये शब्द बादशाह जहांगीर ने सुने भी ये सिख जापदा ते मैनू लगदा भुलेखे दे नाल साडे तंबू च आ गया उन्हें आख्या तैनू दुनियावी धन ते मिल सकदा दुनिया दे सुख ते असीं दे सकदे हाँ पर आ जिहड़ा लोक परलोक दा सुख मंगदा है साडे तों नहीं मिलना आत्मिक सुख साडे तों नहीं मिलना गुरु हरगोबिंद साहब दा तंबू है तू उन्हां दा सिख है सानू जापदा भी तैनू भुलेखा लग्गा उधर तुर जा सत संगत उस सिख ने बड़ी बेबाकी नाल अगे रखिया टका भी चुक लिया ते घा दी पंड भी चुक ली एक शब्द तुसी बड़ी वार सुनिया भी फलाने बंदे नूं कखां तों हौला कर दिता कखां तों हौला कर देना यह सी कि बादशाह अगे रखी कखां दी पंड उहदे सिपाहियां आखिया भी इहदे विच बादशाह दी बहुत वड्डी तोहीन है कि बंदा उहदे सामने नजराना रखे ते ओ चुक के लै जाए जी मैं ते तुहानू देण वास्ते ही नहीं लिया ते ओ भी तू लै के आया कखां दी पंड ते पहला बादशाह नूं भेटा करके हुण तू कखां दी पंड चुक लई है उहने आख्या नहीं इह तुहाडा बादशाह होवेगा मेरा नहीं इह बादशाह झूठा हो सकदा है पर मेरा सच्चा बादशाह सात संगत उहने टका भी चुकिया ते घा दी पंड लै के गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज दे लगे हुए तंबू विच चला गया
बादशाह ने अपने सिपाही भेजे कि जिस सिख की भावना एडी है गुरु दे जाके वेखो ते सही इस मैले कुचैले कपड़िया वाले दे नाल गुरु किस तरह पेश आउंदा है। साध संगत जदों हजूर ने अपने सिख नूं वेख्या वी इह किरती सिख है इहदे कमीज दे विच्चों नुचड़दा होया पसीना इस गल दा गवाही भरदा है वी इह किड्डा वड्डा किरती है किड्डा ईमानदार है किड्डी ईमानदारी दी भेटा गुरु दरबार विच लै के आए। महाराज उठ के खड़े होए हजूर ने छाती दे नाल अपने उस प्यारे गुरसिख नूं लाया ते उहने जदों घा दी पंड सुट्टी ते आख्या महाराज बख्श दिओ मैं भुल गया सां भुलेखे दे नाल बादशाह दे तंबू विच चला गया सां। जदों हजूर ने उहदे मैले कुचैले कपड़िया की परवाह कीते बिना छाती नाल लाया ते बादशाह दे सिपाही देख के दंग सन वी वाह सतगुरु तू इन्ना माण सत्कार अपने सिखां नूं दिंदा है। उन्हें एक टका महाराज अगे रखिया महाराज ये मेरा दसवंध है तुहाडे घोड़िया वास्ते ये घा लैके आया इसे करके सिखां ने वेख्या महाराज झूठे बादशाह दे दरबार च चला जाए सिख ते उत्थे उहदे नाल इदां दा माण सत्कार नहीं पर बादशाह जदों तुहाडे दरबार च आउंदा है ते तुसी उस सिख नूं छाती नाल ला के माण सत्कार दिंदे हो इसे करके तुसी साडे सच्चे पातशाह हो। सिख गुरु हरगोबिंद साहिब नूं सच्चा पातशाह क्या करदे सन सात संगत सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह ने जिथे चार जंगा लड़ियां श्री अमृतसर साहिब दी श्री हरगोबिंदपुरे दी जंग महराज तीजी जंग चौथी जंग करतारपुर साहिब दी जिहड़ा जलंधर दे नेड़े है। सात संगत श्री हरगोबिंदपुरे दी धरती इह एरिया में माझे दा गुरदासपुर जिले दे विच इह अज वी अस्थान आउंदा है गुरु हरगोबिंद साहिब दे चरण पए इत्थे इत्थे ही गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने दूजा जंग लड़िया सी जिहड़ा चंदू दे पुत्तर ते भगवान दास घेरड़ दे पुत्तर दे नाल होया सी। चंदू उही सी जिन्हें गुरु अर्जन साहिब दे सीस विच गर्म रेत पवाई सी गुरदित्ते पड़पुंजे नूं कह के फिर जदों समा आया गुरु हरगोबिंद साहिब दा फिर उह चंदू नूं कीती दा फल भुगताया वी पापी ने किवें तसीहे दित्ते गुरु अर्जन साहिब नूं फिर चंदू दे नक च नकेल पाली पाई विधी चंद गुरु हरगोबिंद साहिब ने आख्या ते लाहौर दीयां गलियां विच फेरिया गया जिस एक गुरदित्ते पड़पुंजे नूं जबरदस्ती गुरु अर्जन साहिब दे सीस विच रेत पाउण वास्ते मजबूर कीता सी उहने वेख्या और जिस कड़शे नाल गुरु अर्जन साहिब दे सीस विच रेत पाउंदा सी उही कड़शा लै के आया ते उहने चंदू दे सिर ते मारिया ते उहदी मौत हो गई। इसे करके चंदू दा पुत्तर फिर अपने प्यो दी मौत दा बदला लैण वास्ते श्री हरगोबिंदपुरे गया सी इह दूजा जंग होया सी। इत्थे हजूर दा दरबार सजिया ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਜੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਡਿਤ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਪੰਡਿਤ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਆਵੇਗੀ ਪੈਸਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਗ ਬੜਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸੀ।